अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में। जैसे हमने साइंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, फिजिकल साइंसेज अलग और बायोलॉजिकल साइंसेज अलग, इसी तरह हम जो फिज़िक्स है उसको भी डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि फिज़िक्स का जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसको हम एज अ सिंगल सब्जेक्ट नहीं स्टडी कर सकते, तो हमने उसको डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे पास सबसे पहली ब्रांच आती है ना फिज़िक्स की, वो है मैकेनिक्स। अब अगर हम मैकेनिक्स की बात करें ना, तो हमारे पास जो मैकेनिक्स है ना वो डील करती है मोशन को। इन दिस ब्रांच वी स्टडी मोशन, इट्स कॉज एंड अफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में कि मोशन कैसे हुआ, इसका वजह क्या थी होने की, और हम स्टडी करते हैं कि क्या मोशन की टाइप क्या है, वो लीनियर है, सर्कुलर है, या कौन किस तरह का मोशन है, उसकी सारी स्टडी को हम किस में करते हैं, मैकेनिक्स में। आगे मैकेनिक्स की दो डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनामिक्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड ब्रांच है ना फिज़िक्स की, वो है हीट। अब हम हीट के बारे में सब जानते हैं, टेम्परेचर के बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज पता है, ठीक है। अब हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, उसके मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, हम डिफरेंट मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र हीट पढ़ते हैं। नाइन्थ क्लास में आपने स्टडी किए होंगे, एट क्लास में सॉरी आपने स्टडी किए होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड थे जो जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है एटॉमिक फिज़िक्स। अब एटम के बारे में हम सबको पता है कि जब हमने ज़र्रे को तोड़ा तो उसमें हमें एटम मिला, ठीक है। अब इस एटम के अंदर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसका बिहेवियर क्या है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो ब्रांच आती है वह साउंड। अब साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अब ये साउंड पैदा कैसे होता है, ज़ाहरी बात है हमने थोड़े सी साउंड के बारे में जानते हैं कि जो साउंड है ना हमारे पास, जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है ना तो साउंड पैदा करती है, ठीक है। अब वो साउंड नेचर में कैसा है, उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर की स्टडी भी हम इसी ब्रांच में करते हैं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी लाउडनेस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो क्लियर आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, उसकी पिच क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा बारीक आवाज़ है, ये सारी जो स्टडी है ना हम साउंड की ब्रांच में करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, ये सारी स्टडी किस में आती है, साउंड में आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो ऑप्टिक्स। जहाँ पे ऑप्टिक्स का मतलब आ जाए ना, तो वहाँ पे एक जो बात जो अंडरस्टूड करने वाली बात है वो हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइट के बारे में। अब ऑप्टिक्स हमने अक्सर देखा होगा, हम बाहर जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है फलां ऑप्टिकल सेंटर। अब उसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पे लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, वो असल में जो हमारे पास लाइट है ना उसकी फिज़िकल नेचर क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ क्या है, ठीक है। अब ये जो कैमरास वगैरह हैं, ठीक है, ये हमारे पास कैसे आए, ठीक है, ये कैसे तस्वीर क्लिक करते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं, लाइट होगी तो वीडियो बनेगी, और दूसरी जो हम अब आई ग्लासेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं आम ज़िंदगी में, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, कि ये लाइट को रिफ़्लेक्ट करती हैं, ठीक है, कैसे इमेज बनता है। तो ये जो सारी स्टडी है ना वो एक ब्रांच के में क्लोज होगी, जिसको हमने नाम दे दिया ऑप्टिक्स, ठीक है। और फिर हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स। जब हमने एटम को तोड़ा ना, एटम के अंदर हमें कुछ और ज़रात मिले, ठीक है, उसमें हमें एक जो फंडामेंटल पार्टिकल मिला ना, वो मिला हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस को भी जब हमने तोड़ा, उसके अंदर भी हमें कुछ पार्टिकल्स मिले, वो पार्टिकल्स हमारे पास आ गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिटेल स्टडी हम एक ब्रांच में करते हैं जो कहलाती है न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम एटम बम वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आती है फिज़िक्स की, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी, हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली, ठीक है, हम आम घरों में, हमारे पास तो आजकल कोई भी ऐसा काम नहीं जो बिजली के बगैर हो रहा हो, ठीक है, मतलब कि हमारे पास इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली ये ब्रांच है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वो पैदा कैसे होती है, हम इसमें स्टडी करते हैं कि चार्जेस जब रेस्ट में होंगे
तब उनका क्या इफेक्ट होता है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब उनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, फिर जब चार्जेस मोशन करते हैं उनको रिलेट करते हैं हम मैग्नेटिज्म के साथ, तो ये सारी की सारी स्टडी एक ब्रांच के अंदर आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा क्या है, अब तक हमने मैटर की तीन फॉर्म्स को पढ़ा है, वो तीन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है, ये तीन फॉर्म्स को हमने पढ़ा है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी फॉर्म भी है मैटर की जो आयोनिक स्टेट कहलाती है, क्या कहलाती है, आयोनिक स्टेट, मतलब आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है ना, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के बारे में, इस मैटर की फोर्थ स्टेट के बारे में जो स्टडी है ना, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। जो लास्ट हमारे पास आती है फिजिक्स की ब्रांच, वो आती है जियो फिजिक्स। अब जियो का जो मतलब होता है ना, असल में कहते हैं ज़मीन को, जियो किसको कहते हैं, ज़मीन को। और एक और जियो है जो आप सबको पता है, न्यूज़ चैनल, उसका एक स्लोगन है जियो और जीने दो। इसी तरह जो हमारे पास जियो फिजिक्स है ना, वो बात करते हैं फिजिक्स के ज़मीन के अंदर जो अंदरूनी स्ट्रक्चर ना ज़मीन का, मतलब ज़मीन की तहें हैं, ठीक है, उसकी ऊपर जो हम रह रहे हैं, जो ज़मीन है ना जहाँ पे हम रह रहे हैं वो सरफस है, उसके अंदर ज़मीन की साख्त क्या है, ठीक है। हमने देखा ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमें उसकी मुख्तलिफ तहें मिलती हैं ज़मीन की, ठीक है। तो सारी की सारी जो स्टडी है ना, वो हम एक ब्रांच के अंदर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जियो फिजिक्स। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में, ठीक है, कि हम फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इनके रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का मेन टॉपिक होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।